बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच इंग्लिश टू क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर फोर्टी सेवन ऑफ योर बुक लेसन नंबर फोर्टीन आवर चैप्टर इज आवर इज इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेस कीड़े मकौड़े बीमारियां फैलाते हैं मैनी इंसेक्ट्स इस्प्रेड डिजीजेस बहुत से कीड़े बीमारियाँ फैलाते हैं दे आर कॉल्ड पेस्ट उन कीड़ों को पेस्ट कहा जाता है मोस्ट पेस्ट लिव इन डर्टी प्लेस बहुत से कीड़े मकौड़े गंदे मकाम पर पाए जाते हैं दे लिव इन रबिश वो कूड़ा करकट हीप्स एन फ्लिदी और गंदगी में टॉयलेट्स में पाए जाते हैं कूड़ा करकट गंदगी टॉयलेट्स वगैरह में पाए जाते हैं सच प्लेसेस आर फुल ऑफ डिजीज जर्म्स ऐसी गंदी जगहें ज़्यादातर या जिन टॉयलेट्स में गंदगी रहती है ऐसी जगहों पे बीमारियां फैलाने वाले जरासीम मौजूद होते हैं द पेस्ट कैरी दीज जर्म्स टू आवर होम्स एंड टू आवर फूड टू ये कीड़े मकोड़े जरासीम लेकर आ जाते हैं हमारे घरों में हमारे खाने तक भी सब इंसेक्ट्स बाइट अस एंड सक अवर ब्लड कुछ कीड़े मकौड़े हमें काटते हैं और हमारा खून चूसते हैं आपने देखा मच्छर हमारा खून चूसता है और हमें मलेरिया बुखार वग़ैरह में मुबतला करता है दस द डिजीज़ जर्म्स एंटर अवर बॉडी एंड वी बिकम इल इस तरह बीमारियाँ बीमारियों के जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं कैन यू नेम इंसेक्ट विच यू सी इन हाउसेस क्या तुम कुछ कीड़े मकोड़ों के बारे में जानते हो जिन्हें तुम घर में देखते हो दे आर हाउस फ्लाइज ये घर की मक्खियाँ होती हैं काकरोच कॉकरोच होते हैं मॉस्कीटोज़ मच्छर होते हैं एंड बेड बाग्स और खटमल होते हैं बच्चों इन सब चीज़ों से बीमारियाँ फैल फैलती हैं ये जरासीम लेकर आते हैं घरों में और जरासीमों से बीमारियाँ पैदा होती हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाइज द हाउस फ्लाई इज़ अ वेरी डर्टी इंसेक्ट मक्खी बड़ा ख़राब कीड़े मकोड़ों में आती है बड़ी गंदी मक्खी इट लिवस इन मोइस्ट एंड डर्टी प्लेसेस मक्खी ज़्यादातर नमी वाले जगहों पे और गंदी जगहों पे जहाँ गंदगी हो वहाँ मक्खियाँ होती हैं इट्स बॉडी हैज़ वेरी फाइन हेयर उसके जिसम पर बड़े नाजुक से बाल होते हैं दिस फाइन हेयर कलेक्ट जर्म्स एंड डर्ट ईजीली ये जो बहुत बारीक से बाल होते हैं उसके जिसम पे उसमें जरासीम होते हैं और गंदगी लेकर आती है आसानी से वैन वी ईट दिस फूड वी बिकम एल जब भी हम ऐसा खाना जिसपे मक्खी बैठी हो खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं इट स्प्रेड्स मैनी डेंजरस डिजीज मक्खियाँ बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ फैलाती हैं डिजीज बीमारियाँ समलरा टाइफाइड एंड डाइसेंट्री उनमें से अक्सर जो मशहूर हैं बीमारियाँ हैज़ा हो जाता है टाइफाइड हो जाता है पेचिश हो जाती है अगर ए, हम ऐसा खाना खा लें जिस पर मक्खियाँ बैठी हों इट लेज़ एक्स इन रबिश हीप्स और ह्यूमन फेसिस फि, ये अंडे देती हैं मक्खियाँ अंडे देती हैं गंदी जगहों पे या जहाँ पहाना वगैरह पड़ा होता है दिस एक्स हेज आउट एंड प्रोड्यूस फ्लाइज। इन अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं जिनसे मक्खियाँ बनती हैं सम हाउस फ्लाइज कॉज डिजीजेस कुछ मक्खियाँ बीमारियाँ पैदा करती हैं सो वी मस्ट डिस्ट्रॉय देम इसलिए हमें मक्खियों को ख़त्म कर देना चाहिए मार डालना चाहिए वी कैन किल दैम बाई स्प्रे बाई स्प्रेइंग डी डी टी हम उन्हें मार सकते हैं मक्खियों को मार सकते हैं स्प्रे करके छिड़काव करके डी का वी मस्ट ऑल्सो कीप अवर हाउस क्लीन हमें अपने घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए दसा हाउस फ्लाई फाउंट्स नो प्लेस टू ले एग्स। इस तरह मक्खी को जगह नहीं मिलेगी अंडे देने की क्योंकि मक्खियाँ अंडे गंदगी में देती हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ़ ऑल इज़ डैट वी मस्ट ऑलवेज कवर आवर फूड अहम बात यह है कि हम सबको अपना जो खाना है खाने की अशियाँ हैं उन्हें ढांप कर रखना चाहिए मक्खी के बारे में बच्चों आपने पढ़ा अब मॉस्किटोज़ मच्छर द इंसेक्ट ऑल्सो दिस इंसेक्ट ऑल्सो कैरीज डिजीज जर्म्स ये कीड़े मकोड़े ये मच्छर भी कीड़े मकौड़ों में आते हैं ये भी बीमारी के जरासीम लेकर आते हैं इट बाइट अस मच्छर हमें काटता है एंड सख्स अवर ब्लड और हमारा खून चूसता है सख्स चूसना दस जर्म्स एंटर आवर बॉडी इस तरह जरासीम हमारे जिसम में दाखिल हो जाते हैं एंड वी फॉल इल और हम बीमार पड़ जाते हैं इट इस्प्रेड डिजीजे लाइक मलेरिया एंड येलो फीवर मच्छरों से बीमारियाँ पैदा होती हैं जैसे कि मलेरिया या पीलिया वगैरह द बाइट ऑफ मॉस्कीटो इज इरीटेटिंग जब मच्छर हमें काटता है तो खुजली होती है वैन वी स्क्रेच दिस पोर्शन ऑफ द स्किन विद डर्टी फिंगर्स जर्म्स एंटर आवर बॉडी एन वी मे फॉल्स एक जब हम उसे खुझाते हैं मच्छर हमें जब काटता है तो खुजली होती है और जब हम उसे खुजाते हैं अपनी जिल के हिस्से को और अगर हमारे नाखून गंदे हों और उससे हम खुजाएँ तो जर्म्स जरासीम दाखिल हो जाते हैं हमारे जिस्म में और हम बीमार पड़ जाते हैं इट लेस एक्स इन स्टेगनेंट वाटर तो ये जो मच्छर है ये अंडे देता है खड़े हुए रुके हुए पानी में स्वाम्स दलदल में ब्लॉक ड्रेन्स और जो गटर भर जाते हैं उस गंदे पानी में एंड एमटी ट्स में कंटेन सच वाटर और जहाँ कहीं भी पानी रखा टंस में बर्तनों में पानी रखा हुआ हो तो उसमें भी मच्छर जब वो गंदा हो जाता है तो मच्छर अंडे दे देते हैं आफ्टर वन और टू डेज दिस एक्स हेच आउट एक या दो दिन में इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं एंड प्रोड्यूस मॉस्कीटोज़ और वो पैदा कर देते हैं मच्छर वी मस्ट डिस्ट्राए मॉस्कीटोज़ एंड देयर एक्स बाय स्प्रेइंग डीडीटी हमें तबाह कर देना चाहिए मार देना चाहिए मच्छरों को और उनके अंडों को डीडीटी टी छिड़क कर डीडीटी दवा का नाम है कट डाउन टॉल ग्रासेस बड़ी बड़ी घासों को काट डालना चाहिए एंड बुशेस और झाड़ियों को भी नियर हाउसेस जो घर के नज़दीक हों तो घर के नज़दीक जो बड़ी झाड़ियाँ हों लंबी लंबी घास हो उसे काट डालना चाहिए ताकि वहाँ मच्छर अंडे ना दे सकें दस मॉस्कीटोज़ कैन नॉट रेस्ट इन शेड ऑफ दिस प्लांट्स। इस तरह मॉस्कीटोज़ आराम नहीं कर पाएंगे इन पौधों के साय में ट्राई टू sleep अंडर मॉस्कीटो nets। कोशिश करो कि सोया करो मच्छरदानी लगाकर मच्छरदानी में बारिक बारिक से सुराख होते हैं हवा अंदर आती रहती है मगर वो सुराख इतने बारिक होते हैं कि मच्छर अंदर नहीं आ सकता है हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम मच्छरों से बचें और हमारे ताज़ा हवा हमारे पास आती रहे ताकि हम ऑक्सीजन में सांस लेते रहें लिहाजा बच्चों मच्छरदानी लगा कर हमें सोना चाहिए ताकि हम मच्छरों से बच सकें स्टूडेंट्स आपकी टीचर ने आपको होमवर्क दिया है पहले दिया हुआ होमवर्क जमा करा के स्कूल में जाइए चेक करने के लिए और नया होमवर्क लेकर जाइए आपकी कॉपियों पे आपकी टीचर ने काम दे दिया है होमवर्क दे दिया है वो घर में सफाई से काम भी कीजिए और याद भी कीजिए इसके अलावा आपको जितने पुराने पिछले जो सबक पढ़ा दिए गए हैं क्लास में पढ़ाए गए थे और इसके अलावा आपको ये यूट्यूब पे भी आपको लेसन दिए गए हैं वो सब रिवाइज कीजिए उन्हें पढ़िए उन्हें याद कीजिए इम्तहान की तैयारी जारी रखिए स्कूल खुलते ही आपके इम्तहान होंगे आपको मिस ने अब होमवर्क आपको दिया इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेस हषरा कीड़े मकोड़े बीमारियाँ फैलाते हैं हाउ डज़ द हाउस फ़्लाई कैरी जर्म्स टू अवर फूड किस तरह मक्खी जरासीम लेकर हमारी ग़ा तक आती है द हाउस फ़्लाइज बॉडी हैज़ वेरी फाइन हेयर मक्खी के जिस्म पर बड़े छोटे छोटे डेलिकेट बाल होते हैं देयर हेयर कलेक्ट जर्म्स एंड डर्ट उन वो बाल जमा कर लेते हैं जरासीम और गंदगी इट सिट्स ऑन अवर फूड और जब वो हमारे खाने पर बैठती है द जर्म्स एंड इट तो जर्म्स जरासीम हमारी गज़ा में शामिल हो जाते हैं अगला सवाल आपकी टीचर ने दिया है हाउ कैन वी गेट ट्रेड ऑफ़ हाउस फ्लाई हाउ कैन वी गैट ट्रेड ऑफ हाउस फ्लाई हम मक्खी का खात्मा किस तरह कर सकते हैं वी कैन वी कैन गैट ट्रेड ऑफ हाउस फ्लाई बाई स्प्रिंग डी डी टी एंड कीप अवर हाउसेज क्लीन हम अपने घर को बचा सकते हैं मक्खियों से डी डी टी मक्खियों पर छिड़क कर उन्हें मारें इसके अलावा अपने घर को साफ़ सुथरा रखें क्योंकि साफ़ सुथरा रखने से बच्चों पता है तुम्हें कि गन, मक्खी अंडे देती है गंदगी पर अगर हम अपने गन, घर को मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे तो मक्खियाँ नहीं पैदा हो सकती हैं लिहाजा डी टी टी का छिड़काव करते रहा करो घर में भी और मोहल्ले में भी आपकी टीचर ने आपको राइटिंग भी करने के लिए दी है इंसेक्ट्स रबिश बाइट और लर्निंग वर्क आपको होमवर्क में दिया गया है ये पेस्ट भी है लर्निंग वर्क आपको होमवर्क में दिया गया है ऐसे ऑन द पाकिस्तान डे मेमोरियल ये ऐसे याद करना है और इससे पहले आपको जो ऐसे दिए गए हैं उनको दोहराइए वरना भूल जाएंगे और जो आपने क्वेश्चन के आंसर्स याद किए हैं तमाम सब्जेक्ट्स में उनको रोज़ाना दोहराइए वरना आप भूल जाएंगे इम्तहान की तैयारी जारी रखिए मेरी नसीहत पर अमल कीजिए